चलिए तो लास्ट टॉपिक हमने आपका जो पढ़ रहे थे इसके अंतर्गत हमने आपके संचित पदार्थों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने पढ़ना सेल स्टार्ट किया था, सेल को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर सेल के कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। कोशिकांगों के अंतर्गत हमने सेल ऑर्गन्स को कंप्लीट करने के बाद उसके रिजर्व मैटर के बारे में पढ़ा, उसके संचित पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहाँ पर हम देखें तो आपके निष्क्रिय पदार्थों के अंतर्गत संचित पदार्थ जो रिजर्व मैटर था वो कंप्लीट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है श्रावित पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो पौधों में श्रावित होते हैं, ठीक है, और मनुष्यों में, जो मनुष्यों का है उसको हम अलग से पढ़ेंगे यहाँ पर्टिकुलर जो चीज है। प्लस उत्सर्जी पदार्थ, क्या पौधों में किसी प्रकार का उत्सर्जन होता है, क्या उनके अंदर कोई विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे मानव में उत्सर्जी अंग होते हैं या जंतुओं में हम देखें तो उनके अंदर उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, लेकिन क्या इसी तरह पौधों में भी कोई उत्सर्जी अंग होते हैं, उन सारी चीजों के अगर होते हैं तो वो कौन कौन सी पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा स्रावित होते हैं और उनका क्या उपयोग है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा बहुत नोट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं श्रावित पदार्थों। श्रावित पदार्थों के अंतर्गत क्या तात्पर्य होता है कि किस बॉडी के किसी पार्ट से किसी तत्व का श्रावित यानी बहना या निकलना और बाहर उनका एक बॉडी के पार्ट से निकल के फिर बॉडी के दूसरे पार्ट तक उनका बहकर पहुंचना या दूसरे पार्ट तक उनको पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो श्रावित कहलाती है। जो श्रावित पदार्थ होते हैं उनमें दो से तीन चीजें होती हैं, एक तो आपके कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो आपको पर्टिकुलर बॉडी में या पर्टिकुलर फल में पत्तियों में जो एक कलर प्रोवाइड कराते हैं, उनका कलर चेंज होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी में या फिर पर्टिकुलर सेल्स की रासायनिक अभिक्रिया को तेज या स्लो करने का काम करते हैं, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। और पौधों में जो आपको पाए जाते हैं फूलों में पाए जाते हैं मकरंद, जिनका परागण करते हैं आपके कीट पतंग द्वारा। तो इन तीन चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर पौधों में श्रावित होती हैं। मनुष्यों में जो श्रावित होते हैं वो आपका पाए जाते हैं, आपने सुना होगा उनके बारे में, हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में हम अभी यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, हार्मोन्स जब हम मानव के स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो वहां हार्मोन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ के बारे में जो कुछ नोट करने लायक चीजें हैं या आपको जानने लायक चीजें हैं एग्जाम्स के लिए, उनमें जो पर्टिकुलर रंग देने वाले पदार्थ हैं कि कौन से कलर पिगमेंट किस कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो और साथ ही साथ एंजाइम क्या होता है, एंजाइम से क्या तात्पर्य है, वो क्या कार्य करते हैं, और मकरंद जो होती है, मकरंद सिर्फ इतना जानिए वो पर जो आपके फूलों में पाए जाते हैं और उनका परागण जो होता है आपका जो कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। एंजाइम ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे उत्प्रेरक कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन हमने आपको पहले बताया क्या है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जो किसी अभिक्रिया को में एक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में तात्पर्य है कि जीवों में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने का काम करते हैं, उनकी जो गति होती है उनको बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। बात साबित होने वाले कलर्स की अगर मैं प्रोवाइड करूँ बात करूँ तो यहाँ पर मैंने पिछले भी टॉपिक में कुछ कलर्स मैंने लिखा दिया था, कलर्स वही हैं आपके, जैंथोफिल से क्या होता है, एंथोसाइनिन से कौन सा कलर होता है, लाइकोपिन से कौन सा होता है, ठीक है, कैरोटीन से कौन सा कलर होता है, ये आपको इनसे किस प्रकार के कलर आपके निकलते हैं, जैसे एंथोसाइनिन के कारण होता है आपका कौन सा कलर जिम्मेदार होता है, कौन सा कलर आपको दिखाई देता है, एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वो किस कलर के लिए जिम्मेदार होता है, जैंथोफिल पीले के लिए होता है, लेकोपिन लाल के लिए, एंथोसाइनिन से आपका जो नारंगी कलर बैंगनी कलर होता है, ठीक है, एंथोसाइनिन आपका बैंगनी और नीले कलर के लिए जिम्मेदार होता है, कैरोटीन नारंगी कलर के लिए होता है, ठीक है, और आपका क्लोरोफिल हरे कलर के लिए होता है,
ठीक है, तीसरी प्रकार के जो कलर्स होते हैं उनके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल की कमी के कारण जो पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं इसी कारण इसकी कमी होती है, तभी वो पीली पड़ जाती है। हाँ, वो पीली पड़ जाती है। पीली पड़ने का दूसरा एक कारण और होता है कि उन पर सूर्य का प्रकाश होता है वो आप पर नहीं पहुँच रहा होता। दो कारण, अगर सूर्य का प्रकाश उनके अंदर नहीं पहुँच रहा होता है सही मात्रा में, तो भी वो पत्तियाँ उनकी पीली हो जाती है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो सर धूप में ना होने के बावजूद वो सर अंधेरे में भी हो जाता है। हाँ, कुछ पौधे होते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें जो पौधों की प्रकृति होती है उनको कुछ बोला जाता है प्रकाश प्रिय पौधे, ठीक, कुछ उदासीन पौधे, कुछ छाया प्रिय पौधे। तो पौधों की कुछ प्रकृति होती है जो पर्टिकुलर आपका, सिर्फ कोई धूप में ही खिलते हैं, कुछ आपको छाया में खिलते हैं, कुछ आपको बहुत ज्यादा धूप नहीं होते ना बहुत कम धूप चाहिए होती है, ठीक है। तो उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग मौसम में परिपक्व होने वाले पौधे होते हैं। इनको हम जब पौधों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां हम देखेंगे उनका वर्गीकरण और इस तरह के जो पौधे होते हैं उनके बारे में भी हम वहां पर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस ये एंजाइम के बारे में नोट कर लिए। एंजाइम क्या होता है? मकरन, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा रंग देने वाले पदार्थ, मैंने आपको पहले लिखा दिए थे पिछले टॉपिक में, और अगर वहां पर नहीं छूटी हुई है तो वहां नोट कर लीजिए इनमें से अगर कोई छूटा हुआ है ना, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल कर ये सारे लिखे हुए, एंथोसाइनिन वहां पे नोट कर लीजिएगा। और बाकी चीजें यहाँ पे मकर एंजाइम लिखेगा, एंजाइम लिखेगा पौधे से स्रावित विविध प्रकार के एंजाइम कोलाइड अवस्था में रहते हुए, कोलाइड अवस्था में रहते हुए जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, मकरन के बारे में लिखिएगा, पुष्पों से स्रावित होता है, पुष्पों से फ्लावर से स्रावित होता है जो परागण में सहायक होता है। ठीक है, तो रिजर्व मैटर और स्रावित पदार्थों की चर्चा हमने कर ली। बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों की, या उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि पौधों में कौन से उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, किनके द्वारा उत्सर्जन करता है? क्या आपने कभी गौर से देखा है कि पौधे भी कहीं उत्सर्जन करते हैं, उनके अंदर भी कुछ जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, उन जैविक क्रियाओं के थ्रू कुछ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में उनके द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्या होता है पौधे, कुछ पौधे ऐसे जो होते हैं जी जो हमारा लगे होते हैं उनमें एक तरह का लाखा टाइप निकलता है। हाँ, तो वो किस पौधे में निकलता है? अगर जैसे हमारा ये महुआ का पेड़ है उसे काट दो तो उसमें दूध निकलने लगता है, दूध निकलने लगता है। और आप एक होता है क्या बोलते हैं, एक गेहूं के ऐसे कुछ होता है गाय बोलते हैं हमें पता नहीं है, उसे तोड़ दो फिर दूध चाहिए करके उसको चिपका सकते हो आप उनके रूप में। आपने बबूल का पेड़ देखा है? उसमें गोंद देखिए जी, नीम में भी होता है। वो गोंद जो होता है वो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है। वो कैसे स्रावित करता है, वो बाहर कैसे आता है पौधे? तने से आता है। पौधों के अंदर आपने वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सुनी, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी कुछ चीजें उनके द्वारा बाहर तो निकाली जा रही है। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन में? जल का बाहर निकलना होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों। तो पौधे के जो पार्ट हैं, चाहे वो तना हो, छाल, पत्तियां हो, वही उनके उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। पत्तियां अगर पानी का स्रावित करती हैं, उनका उत्सर्जन करती हैं,
तो उनका उत्सर्जी अंग के रूप में कहा। छाल में आप बबूल का पेड़ देखिए तो उनके छाल जो होती है उनके तनों में आप गोंद देखते हैं, वो क्या होता है एक उत्सर्जी पदार्थ है वो, और किसके द्वारा श्रावित है उनका उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ, वो उनका तना हुआ। ठीक है, गोंद खाई आपने? जी हाँ गोंद खाई होगी लगभग सबने खाई। और इसका कार्य क्या होता है गोंद का? चिपकाने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से उत्सर्जित होते हैं पदार्थ होते हैं, क्या उपयोग होता है, और पौधे के किस भाग से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप, ये सभी फैक्चुअल चीजें हैं और ये फैक्चुअल चीजें ही आपको कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको वन बाय वन चीजों को नोट कर लीजिए। यहाँ समझने वाली कोई चीज नहीं थी, जो समझने वाली चीज थी मैंने बता दी, अब यहाँ पर चीजों को नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फैक्ट इन्हीं से पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहां लिखिएगा उत्सर्जित पदार्थ, हेडिंग करिए इसमें लिखिएगा पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं होते, कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, जैसे यहां पर्टिकुलर, वहां कोई ऐसा ही पार्ट नहीं, वहां कुछ भी चीज बन रही है तो उनके पर्टिकुलर किसी एक ही पार्ट से निकली, या उसके लिए कोई विशेष अंग वहां पर पौधों में निर्मित नहीं है, इसी की बात हम कहेंगे। आगे लिखेगा उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं, इसमें पहला लिखेगा इनमें इसके दो तरीके का उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो पहली हेडिंग में डालेगा कार्बनिक, कार्बनिक में भी सब पहला सब हेडिंग है आपकी एल्केलाइड्स क्या होते हैं, एल्केलाइड्स पहला। ठीक है, इसमें लिखेगा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होता है। सर कोशिका युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होता है, ये बीज पत्तियों बीज ये बीज पत्तियों एवं छाल में पाए जाते हैं। तो अगर एल्केलाइड्स के स्रोत आपको पूछे जाएंगे तो वो क्या क्या है, बीज छाल और पत्ती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा क्यूनीन, क्यूनीन इसके बारे में लिखिएगा। क्यूनीन सिंकोना पौधे के छाल से, सिंकोना पौधे के छाल से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में, इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग रेसरपीन, रेसरपीन इसमें लिखिएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना के जड़ से, हाँ ये पौधे का नाम है जिससे ये प्राप्त होता है रेसरपीन, राउल फिया सर्पेंटाइना, टाइना चाइना मत लिख लीजिएगा। ठीक है, के जड़ से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग
उच्च रक्तचाप के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो रेसेप्टिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर सिचुएशन में रेसेप्टिन का प्रयोग किया जाता है। क्यूनिन का प्रयोग आपका मलेरिया के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ सकता है, क्यूनिन कहाँ से मिलता है, किस पौधे से प्राप्त होता है, किस पार्ट से प्राप्त होता है, या फिर और इसका इलाज किस रोग के लिए किया जाता है। ये आप क्लियर रखिएगा, क्यूनिन और रेसेप्टिन। नेक्स्ट लिखिएगा निकोटीन। हाँ, निकोटीन यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, तीन चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, निकोटीन, थीन, कैफीन। ठीक है, तीन चीज आपने लिखी, एक ही में लिखी। हाँ, वही बता रहे हैं कैसे लिखना है। अब इनके सामने मैं एक एक चीज इनके बारे में बोलूंगा। ओके, और इन तीनों चीज का जो प्रयोग है वो एक ही तरह के इलाज में किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर तीनों के बारे में लिखना है, तीनों को इस तरह बना के यहाँ पर एक ही प्रयोग इलाज के लिए किया जाता है। ऐसे लिखिएगा, पहला निकोटीन के स्थान में लिखिएगा, कहाँ से प्राप्त होता है, प्राप्त स्थान तंबाकू की पत्तियों से। कैफीन आपको मिलती है चाय एवं कॉफी के बीज से। हाँ, कॉफी के बीज से। थीन प्राप्त होती है आपको चाय की पत्तियों से। चाय की पत्तियों से। अब इन तीनों चीज का प्रयोग किस इलाज में किया जाता है वो लिखेगा, दर्द निवारण एवं उत्तेजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा मॉर्फिन। मॉर्फिन का भी वही प्रयोग है दर्द निवारण में। ये मिलता है आपको अफीम के बिना पके फल से। अफीम की मॉर्फिन की प्राप्ति लिखिएगा, अफीम के बिना पके फल से इसकी प्राप्ति होती है और इसका प्रयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है। प्रयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप का लीगा ग्लूकोसाइड्स। ग्लूकोसाइड इसमें लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के नष्ट होने से बनता है, जिसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जी, औषधि के रूप में, दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में डालिएगा टैनिन। टैनिन में लिखिएगा, कच्चे फलों एवं छाल से प्राप्त होता है, पौधों के छाल से, छाल से प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग चमड़े को सख्त बनाने और औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिनका प्रयोग चमड़े को सख्त बनाने और औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट लिखेगा लैटेक्स, लैटेक्स इसमें लिखेगा, इसके बारे में तो आपने सुना होगा वैसे, रबड़ का पौधा देखा है उसी से निकाला है और रबड़ बनाने के लिए किया, ठीक है। किसने किसने देखा, किसने नहीं देखा, मैंने देखा। चलिए ठीक है, लैटेक्स जो होता है रबड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का ये दूध की तरह होता है, बस गाढ़ा होता है थोड़ा ज्यादा, या फिर लैटेक्स के होते हैं पेड़ होते हैं वहां से निकाला जाता है इसको, और इसको रबड़ के में प्रयोग किया, उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेगा रेजिन, रेजिन में लिखेगा पेंट, पेंट घरों में आप पेंट करने जाते हैं, वॉर्निश, तारपीन, तारपीन का जो तेल होता है, चमड़ा एवं औषधि में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा गोंद, सेल्यूलेस के अपघटन से बनता है, सेल्यूलोज के अपघटन से बनता है, गोंद चिपकाने के लिए, चिपकाने खाने व दवाइयों के, व दवाइयों को, दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। चिपकाने खाने और दवाइयों बनाने, औषधि के निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल इसमें लिखिएगा, एक साइड आप अम्लों के नाम लिखे लिखते जाइएगा और दूसरी साइड किसमें किसमें पाया जाता है वो लिखते जाइएगा, ठीक है। इसमें लिखिएगा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल इसमें ये इमली, अंगूर, केला, अंगूर केला ये इसमें पाया जाता है। हाँ, टार्टरिक अम्ल आपका इमली, अंगूर और केले में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक या सिट्रिक बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल इसमें लिखेगा नींबू और संतरे में। नेक्स्ट लिखेगा मैलिक अम्ल, मैलिक ये आपका सेब में पाया जाता है, मैलिक सेब में। नेक्स्ट लिखेगा ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपका पालक में पाया जाता है। अगर आपने पीसीएस के एग्जाम्स में देखे होंगे पिछले साल, तो कार्बनिक अम्ल से क्वेश्चन आए होंगे, आया क्वेश्चन, अगर आपने वहां देखा ये क्वेश्चन, आपको इसी तरह की चीजें आती रही हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपके कोशिकांगों के अंतर्गत, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं और निष्क्रिय पदार्थ के अंतर्गत किन चीजों के बारे में चर्चा की जाती है, उनका क्या योग क्या प्रयोग, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम यहाँ पर इसके दूसरे पार्ट की ओर जाएंगे, उसका कोशिकांग के बाद केंद्रक के बारे में, ठीक है।